मेरे एक मित्र ने अपनी आप बीती बताते हुए एक कहानी सुनाई जो आप भी सुन लीजिए, क्योंकि कहानी हमारी आंखों देखी नहीं है, इसलिए आप इसके सही और झूठ होने की परख स्वयं कर सकते हैं। हुआ यूं कि मेरे मित्र के किसी मित्र के पेट में तेज दर्द उठा। दर्द इतना तेज था कि घर वाले डर गए। जितना तेजी से हो सकता था उनको लेकर नजदीक के अस्पताल पहुंचे, जहां तुरंत इमरजेंसी में उन्हें अस्पताल की बेड पर लिटा दिया गया। खून लिया गया कि जांच को भेजा जा सके। ड्रिप लगा दी गई और इलाज चालू हो गया। ये इंजेक्शन लाइए, ये दवाई लिख रहे हैं लेकर आइए, डॉक्टर अभी जांच के लिए आएंगे आदि शुरू हो गया। दो दिन ऐसे ही बीत गए। ड्रिप के बाद दूसरी ड्रिप चढ़ रही थी और इलाज जारी था। मेरे मित्र के अनुसार दो दिन बाद वे स्वयं अपने इस मित्र को देखने गए। बातचीत में पता चला कि दो दिन से इलाज जारी है। दोनों मित्र सिगरेट पीने के आदि थे। ड्रिप की बोतल समाप्त हुई तो इन्होंने नर्स की नजर बचाकर सिगरेट पीने की ठानी। कैंटीन में सिगरेट पी तो दोनों ने एक एक कोल्ड ड्रिंक भी पी ली। फिर मेरे मित्र ने हाजमोला का एक पैकेट खरीदा और दोनों ने दो दो गोलियां फांक ली। अचानक मेरे मित्र के मित्र को लगा कि उनका दर्द तो ठीक हो चुका। दोनों ने तय किया कि वहीं से निकल लेते हैं। दोनों वहां से बाहर होंगे। उधर मित्र के रिश्तेदार तो बेड के करीब ही बैठे थे। अस्पताल के स्टाफ ने उन्हें घेर लिया, बिल पूरा दीजिए तो घर जाने देंगे। करीब 70,000 का बिल था। झगड़ा हो गया। आखिर करीब आधा पैसा देकर जान छोड़ी। जो पेट का दर्द कोल्ड ड्रिंक और हाजमोला की बोतल से ठीक हो सकता था, उसके लिए 35,000 रुपए चले गए। ये तो सुनी सुनाई कहानी थी जो हमने सुना दी, लेकिन जानते हैं ये कहानी क्यों याद आई? ये कहानी तब याद आई जब हमने इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज पढ़ी जिसकी हेडिंग थी, आफ्टर कॉप्स हॉस्पिटल स्टाफ फेस ऑफ इन हापुर, डीजीपी कॉशंस रिफ्रेन फ्रॉम लॉन्चिंग बेसलेस एफआईआर्स। हुआ कुछ यूं कि हापुर पुलिस के पास एक कॉल आई। एक व्यक्ति अपनी माँ को अस्पताल के पंजे से छुड़वाना चाह रहा था, यानी साफ है कि वो व्यक्ति माँ को घर ले जाना चाह रहा था, लेकिन अस्पताल उसको घर जाने की अनुमति नहीं दे रहा था। करता क्या, कोर्ट में जाता तो सिविल केस होने के कारण सालों में कोई नतीजा निकलता। झगड़ा करता तो हर अस्पताल की दीवारों पर बड़ा बड़ा लिखा होता है कि अस्पताल के कर्मचारियों के कार्य में बाधा डालना या तोड़फोड़ करना क्रिमिनल ऑफेंस है। उसको यही समझ आया कि पुलिस की मदद ले। उस व्यक्ति की मां के ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था और वो अस्पताल की सेवाओं से संतुष्ट नहीं था, इसलिए मां को अस्पताल से ले जाना चाह रहा था, लेकिन अस्पताल था कि छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर पुलिस को फोन हुआ तो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस स्वयं मौके पर पहुंचे। एसपी साहब की अस्पताल के डायरेक्टर से झड़प हो गई। अस्पताल के डायरेक्टर को शायद पता था कि उसके मालिक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर के किन ऊंचे लोगों से संबंध है, इसीलिए तो एसपी साहब से झड़प कर बैठा। आखिर कोई ऐरा गैरा ऐसे ही थोड़ी अस्पताल खोल लेता है। डायरेक्टर ने अस्पताल की सिक्योरिटी को हुक्म दिया कि एसपी साहब और पुलिस वालों को अस्पताल से बाहर कर दो। अब जरा सोचिए एसपी साहब भी क्या कह रहे होंगे। यही तो कि मरीज के घर वाले जब उसको घर ले जाना चाह रहे हैं तो जाने दो, और डायरेक्टर साहब कह रहे होंगे कि नहीं जाने दूंगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर झड़प किस बात की थी? एसपी साहब अब क्या करें? शहर के कप्तान साहब से किसी अस्पताल का डायरेक्टर तू मैं कर रहा है और इतने सारे लोगों के सामने अपनी सिक्योरिटी से कह रहा है कि एसपी साहब को बाहर कर। एसपी साहब को ताव आना लाजमी था। और अधिक पुलिस वालों को बुलाकर उन्होंने अस्पताल के डायरेक्टर को अरेस्ट करने के ऑर्डर जारी कर दिए। अब यहां पर अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर का रोल सुनाते हैं। उन्होंने लखनऊ की ताकत के कॉरिडोर्स में फोन घुमाए, इंक्वायरी भी नहीं बिठाई गई, तुरंत लखनऊ से आदेश आ गए। अब सोच कितनी पहुंच होगी हापुड़ के अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर की। हो सकता है कोई कह दे कि बवाली तो वो व्यक्ति था जिसने पुलिस को फोन करके बुलाया था। अरे 4-6 दिन तुम्हारी माँ और मर तुम्हारी मर्जी के बिना अस्पताल में रह जाती तो कोई पहाड़ थोड़ी टूट जाता। अंधेड़ नकली चौपट था। अस्पताल अगर 4 दिन बाद माँ की लाश भी पकड़ा देता तो कोई कुछ नहीं कर सकता था। कोई कर भी क्या सकता है जब तक आपके अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर से अधिक ऊंचे संबंध ना हो। मुझे याद आ गया जब मेरे पिता लखनऊ के इरा अस्पताल में भर्ती थे और सांसें उखड़ रही थी। वेंटिलेटर खाली नहीं था, इसलिए हमको एक बैलून पकड़ा दिया गया जिसको दबाने पर हवा उनके फेफड़ों में जाती थी। इसको हर 5-7 सेकंड पर दबाते रहना पड़ रहा था ताकि सांसें चलती रहे। ऐसे में इरा अस्पताल की हेड नर्स ने
पूरे जोर शोर से हम पर चिल्लाना शुरू कर दिया। गलती क्या थी, जब मेरी माँ ने इमरजेंसी में फोन किया कि तबीयत खराब हो रही है तो मैं भागा भागा गया। उस समय लैपटॉप का बैग भी मेरे पास था जो लेकर मैं अस्पताल पहुंच गया। पैरों के पास बैग रखा था और हम बाप की सांसें टूटते देख रहे थे, जिस समय हेड नर्स चिल्ला रही थी कि बैग लेकर अस्पताल में क्यों आए। बहरहाल हापुड़ में आगे क्या हुआ वो भी सुन लीजिए। हापुड़ SP अभिषेक वर्मा का तबादला, एडिशनल SP राजकुमार अग्रवाल का तबादला, पिलखुआ SHO प्रभाकर कैथोरा का तबादला। कहा जा रहा है कि अभी और ट्रांसफर होने की उम्मीद है। गाजियाबाद के DCP कुंवर ज्ञानेश्वर झा ने SP का चार्ज संभाल लिया और विनीत भटनागर अब नए SP बना दिए गए। हॉस्पिटल के खिलाफ केस तो दर्ज हुआ लेकिन साथ साथ ये सब तबाही लेकर आया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने कहा कि इस मामले में इंक्वायरी का आदेश जारी किया गया है, यदि कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यदि ऐसा है तो आनंद फानंद में ट्रांसफर क्यों कर दिए गए, इंक्वायरी की रिपोर्ट आने पर कार्रवाई करते। अभी तो संदेश ये गया कि बड़े लोगों की पहुंच के आगे SSP की भी कोई औकात नहीं। पुलिस का मॉरल डाउन हो रहा है, इसकी चिंता किसी को नहीं। साथ ही उत्तर प्रदेश DGP प्रशांत कुमार ने तमाम सीनियर ऑफिसर्स को एक ऑर्डर जारी किया कि बिजनेसमैन और बेगुनाह लोगों के खिलाफ बेसलेस FIR लॉन्च करने से परहेज करें। तो क्या पुलिस बेगुनाह लोगों के खिलाफ बेसलेस FIR दर्ज करती आई है जो ऐसा आदेश दिया? यदि ट्रेडर एसोसिएशन का मानना है कि माँ को घर ना ले जाने की अनुमति ना देना एक सिविल मैटर है और इस पर पुलिस FIR दर्ज नहीं कर सकती, तो फिर अस्पतालों की यूनियन ने एकजुट होकर ये कानून क्यों पास करवाया कि यदि कोई अस्पताल के कामकाज में हस्तक्षेप करे या तोड़फोड़ करे तो उसके खिलाफ इस धारा के अंतर्गत पुलिस कार्रवाई की जा सकती है और उसको जेल के साथ जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इनके रसूख थे तो ये कानून पास हो गया, उधर मरीजों के ना तो यूनियन है ना रसूख। यानी यदि अस्पताल अपने कामकाज में सही नहीं उतरे या माह को घर ना ले जाने दे तो ये सिविल मैटर है, और यदि मरीज या उसके रिश्तेदार बदले में कुछ करें तो ये क्रिमिनल मैटर है। ऐसा क्यों? क्योंकि मरीजों की, जैसा हमने कहा, कोई यूनियन तो होती नहीं जो अपने मन मुताबिक कानून पास करवा सके। हापुड़ जैसे छोटे से अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर की पहुंच कहां तक हो सकती है आपने देख ली। मुझे एक और केस याद आ रहा है, काफी पुरानी घटना है, यूपी में BJP सरकार बनने से पहले की। ट्रांस गोमती में तैनात एक SP के ऑफिस में बैठा मैं चाय पी रहा था। एक वृद्ध महिला दरखास्त लेकर आई, उसका कहना था कि वो तीर्थ यात्रा पर हरिद्वार गई थी कि उसके कुछ रिश्तेदारों ने उसके घर का ताला तोड़ उसमें दाखिल हो गए। वो चाहती थी कि पुलिस रिपोर्ट लिखे और कार्रवाई करते हुए उसके घर को कब्जादारों से मुक्त कराए। SP साहब का कहना था कि ये तो सिविल मैटर है, कोई क्राइम तो हुआ नहीं, तो वो कोर्ट पे जाए। महिला जानती थी कि वो बूढ़ी है और सिविल कोर्ट में जाने का अर्थ है उसके मरने तक बस चक्कर ही काटती रहेगी और जो कब्जादार हैं वो उसके घर में पैर जमाए बैठे रहेंगे। लेकिन पुलिस का कहना था कि मामला सिविल है, यदि क्राइम हुआ होता तो वो कुछ करते। यानी इस वृद्ध महिला ने किसी घुसपैठिए को चाकू मार दिया होता तब पुलिस का केस बनता, या फिर वो महिला के साथ कोई क्राइम करते। महिला झूठ भी तो बोल सकती है, यानी इधर की कहानी भी तो फर्जी हो सकती है, इसलिए पुलिस कुछ नहीं कर सकती। परंतु यदि वृद्ध महिला सच में तीर्थ पर गई थी और पीछे ताला तोड़ दिया गया तो अब वो क्या करे, बेघर हो गई है और अब सिविल कोर्ट में जाए जहां कब फैसला होगा कोई नहीं जानता। हापुड़ मामले में पुलिस हाईकमान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि मैरिटल और फैमिली डिस्प्यूट में, बिजनेस रिलेटेड ऑफेंसेस में, मेडिकल नेग्लिजेंस के मामलों में और करप्शन के मामलों में पुलिस पहले शुरुआती इंक्वायरी कर ले तब FIR लिखे। पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि बिजनेसमैन, होटल मालिकों, अस्पताल और नर्सिंग होम के मालिकों, स्कूल और एजुकेशन इंस्टीट्यूट के खिलाफ आई शिकायतों पर बहुत ध्यानपूर्वक कार्रवाई करें। तो क्या आम आदमी के खिलाफ ध्यानपूर्वक कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है? चुप बैठिए, आम आदमी के भी क्या कोई रसूख होते हैं जो ध्यान दिया जाए? पुलिस हाईकमान तो इसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के खिलाफ बता रही है, स्टेट की छवि खराब हो रही है ऐसा बता रही है। परंतु यदि फायर सर्टिफिकेट ना होने के कारण लखनऊ के किसी पॉश इलाके में चल रहे होटल में कई लोग जलकर मर जाते हैं तो मुख्यमंत्री स्वयं संज्ञान लेकर होटल बंद करवाने के आदेश देते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का अर्थ ये तो नहीं है
कि जैसे चाहे वैसे बिजनेस करें। इसका यह अर्थ तो नहीं है कि कोई अपनी माँ को घर ले जाना चाह रहा है तो अस्पताल घर ले जाने पर रोक लगाते। यदि बिल ना भरने का मामला था तो वो सामने आना चाहिए था, ये मामला तो सामने आया ही नहीं। बल्कि कोई व्यक्ति अपनी माँ को अस्पताल से घर ले जाना चाह रहा था और जब अस्पताल ने माँ को घर ले जाने की अनुमति ना दी तब पुलिस में शिकायत दर्ज की, जिस पर यह सब बखेड़ा खड़ा हो गया। एसपी साहब भी नहीं जान रहे थे कि अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर के रसूख कहां तक है। अब जरा ये सोचिए आगे क्या कोई भी एसपी अस्पताल के खिलाफ कुछ भी करने की सोच भी सकेगा, भले ही किसी की मां कितने दिनों तक मर्जी के बिना अस्पताल में पड़ी रहे। अब एक सेकंड को बताएं कि यदि इस व्यक्ति के रसूख अधिक ऊंचे गलियारों में होते जिसकी मां अस्पताल में भर्ती थी तो क्या खबर बनती। जबरन मरीज को अस्पताल में रखने पर पुलिस ने कार्रवाई की, मरीज के तीमारदारों की शिकायत पर पुलिस एक्शन में आई, अस्पताल किया गया सील, या फिर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का बुलडोजर अब निरंकुश अस्पतालों पर कसेगा शिकंजा। न्यूज तो ऐसे भी बन सकती है, वैसे भी। आप किस प्रकार सोचते हैं? नहीं, रसूखदार लोग किस प्रकार सोचते हैं, इस पर तय होता है कि क्या और कैसे बनेगी न्यूज। एक और खबर, आज की खबर, और खबर खत्म। खबर का शीर्षक है 7 अरेस्टेड फॉर रेजिंग प्रो पैलेस्टीन स्लोगन्स ड्यूरिंग मुहर्रम प्रोसेशन। इस खबर के मुताबिक आगरा में मुहर्रम के जुलूस के दौरान पैलेस्टीन के सपोर्ट में नारे लगाने के जुर्म में पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। अभी औरों की तलाश जारी है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर से पता चलता है कि किसी और ने शिकायत नहीं की बल्कि सीकरी पुलिस इंचार्ज ने स्वयं संज्ञान लेकर FIR दर्ज की, जिस पर गिरफ्तारियां हुई। बहस में ना पड़िए कि ये नारे लगाना सिविल मैटर है या क्रिमिनल। आप पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के किस ओर खड़े हैं ये महत्वपूर्ण है। आपके कितने रसूख हैं या आप कानून को कितना जानते हैं ये महत्वपूर्ण है। संसद के अंदर ओथ सेरेमनी के दौरान जय पैलेस्टीन कहने वाला MP कहता है कि मुझको कानून का इतना ज्ञान तो है कि क्या बोलना है क्या नहीं। और मुहर्रम के जुलूस में पैलेस्टीन में हो रहे जुल्म के खिलाफ नारे लगाने वाले नौजवानों के खिलाफ होती है FIR और जाते हैं हवालात। रियल न्यूज इंटरनेशनल पर घूमता आईना में लीक से हटकर खबरें पेश करने की हमारी कोशिश पर अपनी टिप्पणी जरूर दीजिएगा। यदि हो सके तो हमारे चैनल को दूसरों तक पहुंचाएं।